गाइस एग्जांपल नंबर 40 में देखिए हमसे कह रहा है कि ये कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करवा रहा। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये दो वेक्टर से मिलकर बनना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आप लोगों का अगर पता हो कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड वो एरिया को रिप्रेजेंट करता। ये अगर नहीं पता तो याद कर लें कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता। तो हम चलिए इस चीज़ को अपना के भी देखते हैं, इस चीज़ को लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करो देन उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। चलो भाई निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आपके पास ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो कैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको खुद बताना होगा कि ए क्रॉस बी में आपको क्या क्या करना। सबसे पहला आपको आई ले लेना है, यहाँ पर जे ले लेना और यहाँ पर के ले लेना। ले लिया आपने, अब एक ए वेक्टर जो है उसके अंदर जो कोफिशियंट दे रहे हैं उनको लोगे, आई जे और के का। बाय द वे उसके अंदर के का कोफिशियंट नहीं है, तो जो कोफिशियंट मिसिंग हो उसको जीरो दिखा दो। आई का कोफिशियंट कितना, 3, आप लिख दोगे। जे का कोफिशियंट कितना, 4, आप लिख दोगे। तो ये आपने ए वेक्टर की कहानी लिख दी। सिमिलरली आप बी वेक्टर की लिखोगे, तो बी वेक्टर का आई का कोफिशियंट कितना, -3, जे का कोफिशियंट कितना है, +7, और के का इसके अंदर भी मिसिंग है, लेकिन आपको दिखाना होगा पूरा, बिल्कुल दिखाना होगा। हालांकि इसमें एक चीज कर सकते हैं, जब दोनों वेक्टर के अंदर एक ही कोफिशियंट मिसिंग है तो आप उसको चाहें तो ना भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर आप पूरा दिखाएंगे तो। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये, सबसे पहले आई को लो, जब आप आई को लेते हो तो इसका कॉलम इसकी रो को हाइड कर दो, तो 400700, तो जीरो हो गया पूरा का पूरा। देखें यही है ना, 400 7 की जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो 0 - 0 मतलब जीरो, ठीक है। फिर लिखेंगे -j लिख दिया, तो इसका कॉलम और इसकी रो हाइड करो, हाइड कर दी, 300 -3 की जीरो से मल्टीप्लाई करोगे अगेन जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। लो आपके लिए कैलकुलेशन आसान। अब आप प्लस के लिए सॉल्व करोगे, सॉल्व कीजिएगा। अब देखो यहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि के लेने से कितना बड़ा फायदा हुआ। ये फायदा हुआ, अगर आप के को मिसिंग कर देते तो आपका फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं बन पाता प्रॉपर तरीके से, आप गलत कर देते। अब देखो के आपने ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा, देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 3 21, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले वाला, 4 3 12, ये माइनस का 12 कैलकुलेशन वाला है। ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सिर्फ के बचा, के ये आया 21 और ये हो जाएगा +12। 21 प्लस 12 कितना हो गए, 33 के। आपके पास ए क्रॉस बी, इट मींस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, आपके पास 33 के आ चुका है। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि एरिया बताओ, तो एरिया जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। तो आप कहेंगे, यहां पर एक सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर दूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी जो आया है वो 33 के आया है। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जाते हैं तो आपको बता, मैग्नीट्यूड में आपको आई का जो कोफिशियंट होता उसका स्क्वायर, जे का जो कोफिशियंट होता उसका स्क्वायर, के का जो कोफिशियंट होता उसका स्क्वायर। वाई देवा आई का जो कोफिशियंट है जीरो है, मतलब इसके अंदर आई है ही नहीं, जे भी नहीं है, लेकिन के है, के कितना, 33, तो ये हो जाएगा 33 का स्क्वायर। अब देखो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, 33 का स्क्वायर, तो 33 के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इट मीन्स 33 आ जाएगा। तो जो एरिया आया आपके पास वो कितना आ चुका है, 33 यूनिट, ठीक है भाई। एरिया जो आता है वो 33 आ चुका है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आया 33 यूनिट। एरिया अगर सेंटीमीटर चल रहा होगा तो सेंटीमीटर के स्क्वायर, मीटर चल रहा होगा तो मीटर के स्क्वायर, फिलहाल हमने यूनिट लिख दिया वहाँ को, जो भी यूनिट आएगी दे नहीं रखी कि ए कितने में है बी कितने में, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो हमने उसको ऐसे रहने दिया। तो अल्टीमेटली आपसे ए क्रॉस बी सॉल्व करवाने के लिए पूछा था और आपने इसको सॉल्व कर दिया। एक तरीके होते हैं उनके पूछने के, वो तरीकों को देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।